सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के विदिशा जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप विदिशा जिला की वासी है तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। विदिशा जिला मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से एक विदिशा जिला के नाम से जाना जाता है। विदिशा जिला मध्य प्रदेश के मध्य भारत की ओर बसा है। इस जिले का हेडक्वार्टर विदिशा शहर में मौजूद है और विदिशा जिला भोपाल डिवीजन के अंतर्गत आता है। विदिशा जिला पहले ग्वालियर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में विदिशा को ग्वालियर राज्य से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। इस जिले का गठन साल 1904 में ग्वालियर राज्य के बंटवारे के बाद किया गया था। उस समय जिले में साल 1948 तक दो तहसील हुआ करता था, पहला विदिशा दूसरा वसौदा। इससे पहले विदिशा ग्वालियर राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। विदिशा जिला को पहले के समय भिलसा के नाम से भी जाना जाता था। विदिशा जिला मालवा पठार के उत्तर से पश्चिम भाग की ओर स्थित है और पश्चिम भाग की ओर मालवा के मुख्य पठार से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो यह इलाका मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इस जिले की चर्चा वाल्मीकि रामायण भी किया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि शत्रुघ्न का बेटा शत्रुघाती विदिशा का प्रतिनिधि हुआ करता था और ब्रह्म पुराण में भी इस जगह का वर्णन देखने को मिलता है। साल 1947 में देश आजाद होने के बाद ग्वालियर की पूर्व रियासत मध्य भारत राज्य का हिस्सा बन गया था, जिसका गठन साल 1948 में किया गया था। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला 5 पड़ोसी जिलों के साथ आपस में घिरा हुआ है, जिसका नाम भोपाल जिला, रायसेन जिला, सागर जिला, गुना जिला और अशोक नगर जिला है। जिस वजह से विदिशा जिला की उत्तर भाग की ओर मध्य प्रदेश का अशोक नगर जिला, पूर्व भाग की ओर मध्य प्रदेश का सागर जिला, दक्षिण भाग की ओर मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, दक्षिण से पश्चिम भाग की ओर मध्य प्रदेश का भोपाल जिला और पश्चिम से उत्तर भाग की ओर मध्य प्रदेश का गुना जिला से घिरा हुआ है। विदिशा जिला की मुख्य नदी का नाम बेतवा नदी, बीना नदी और हलाली नदी है। बेतवा नदी और बीना नदी के हिस्से में बसा यह जिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 57 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 725 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विदिशा जिला में 12 तहसील, 7 ब्लॉक, 8 रेवेन्यू डिवीजन, 1 लोकसभा, 5 विधानसभा, 23 पुलिस स्टेशन, 158 डाकघर, 20 रेवेन्यू मंडल, 371 आंगनबाड़ी, 1 जिला कोड, 1 जिला अस्पताल, 2 सिविल अस्पताल, 7 सामुदायिक अस्पताल, 21 प्राथमिक अस्पताल, 3 नगर पालिका, 3 नगर पंचायत, 577 ग्राम पंचायती, 8 शहर और 1524 गाँव में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 7371 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विदिशा जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 3 लाख के करीब है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आबादी की बात करें तो विदिशा जिला जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का 21वां सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का 13वां सबसे बड़ा जिला है। विदिशा जिला का अभी मौजूदा समय पे कुल आबादी 16,96,000 के करीब है। उसी साल 2011 की जनगणना के अनुसार विदिशा जिला की कुल आबादी 14,59,000 के करीब है, जिसमे की पुरुष की आबादी 7,70,000 है और महिला आबादी 6,89,000 है। इस जिले का औसत लिंगानुपात 918 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 918 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 12,85,000 है, लगभग 88% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 1,52,000 है, लगभग 10.5% के करीब है।
शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से उड़ीसा जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले में सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट संजय गांधी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज और सुभद्रा शर्मा गवर्नमेंट महिला कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे जिले की साक्षरता दर 70% के करीब है। उड़ीसा जिला की 14,59,000 की आबादी में 10,29,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें की पुरुष 6,10,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 79% के करीब, और महिला 4,19,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 61% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो उड़ीसा जिला की आबादी के अनुसार इस जिले में 5,50,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 5,50,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ की आबादी के अनुसार लगभग 38% के करीब है। वैसे उड़ीसा जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। उड़ीसा जिला बेतवा नदी और बीना नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका ज्यादातर इलाका काफी उपजाऊ है। उड़ीसा जिला पे इनकम का मुख्य साधन खास तौर पर खेती के फसलों द्वारा किया जाता है, जिस वजह से इस जिले का प्रति व्यक्ति इनकम 38,445 के करीब है। उड़ीसा जिला की 7,300 किलोमीटर के क्षेत्रफल पे लगभग 9,00,000 हेक्टेयर पे खेती का कुल पैदावार किया जाता है और 800 किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगल के हिस्से में आता है। इस जिले की मुख्य फसलों का नाम गेहूं, मक्का, उड़द, चना और सोयाबीन यहाँ के मुख्य फसल है। उड़ीसा जिला में फर्नीचर बनाने की व्यवसाय, डिटर्जेंट पाउडर की कारखाने, अगरबत्ती की कारखाने, पापड़ की व्यवसाय, अचार की व्यवसाय, प्रिंटिंग प्रेस की व्यवसाय और टाइल्स बनाने के उद्योग के अलावा इस जिले में कई सारे छोटे छोटे व्यवसाय भी स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को और उड़ीसा जिला वासियों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने का आनंद उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश का उड़ीसा जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। उड़ीसा जिला की टूरिस्ट स्थलों में शुमार नीलकंठेश्वर मंदिर, विजय मंदिर, माला देवी मंदिर, उदयेश्वरा मंदिर, गिरधारी मंदिर, होलियोडोरस पिलर, उदयगिरी गुफाएं और उड़ीसा जिला के हजरत नौ सैयद साहब पीर बाबा की दरगाह शरीफ जैसी कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। उड़ीसा जिला सड़क और रेल के माध्यम से मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 146, स्टेट हाईवे संख्या 14, स्टेट हाईवे संख्या 19 और स्टेट हाईवे संख्या 23 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गाँव तक बस सेवा मुहैया कराती है। उड़ीसा जिला की मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम उड़ीसा रेलवे और गंज वसोदा रेलवे स्टेशन है, जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की भोपाल रेलवे डिवीजन की अंतर्गत आता है। जानकारी के लिए बता दें, उड़ीसा जिला में कुल मिलाकर 10 रेलवे स्टेशन स्थित है।